आगामी दिनों में लगभग 12 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। आखिर कौन सी पार्टी ठोकेगी ताल, बीजेपी करेगी कमाल या फिर कांग्रेस भी इस बार मचा देगी धमाल, या फिर सपा और बसपा जो इस अब हो चुकी हैं जानी दुश्मन, उसमें बुआ आगे निकलेंगी या फिर निकलेगा आगे भतीजा। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। 12 सीटों पर, लगभग 12 सीटों पर बाई पोल्स का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है और ऐसे में अब बीजेपी ने सारी सीटों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। तो वही अगर बात करें मायावती को लेकर, तो मायावती ने भी बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बबुआ से वो अलग हो गई हैं और अब उन्हें अपने बबुआ से प्यार हो गया, यानी कि खुद के सगे भतीजे आकाश आनंद से प्यार हो गया है। अब ऐसे में कुल मिलाकर मायावती अब अपनी रणनीति बना रही हैं। कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी युवाओं की टीम बना रही हैं, सारी जिला समितियों को भंग कर दिया है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं, संगठन लेवल पे कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इन बीजेपी, बसपा और प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस सबका काम क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया, लेकिन अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव जो कहते हैं काम बोलता है तो काम करके दिखाना भी तो पड़ेगा। लोकसभा की चुनावी नतीजों को लेकर नहीं बैठ सकते हैं अखिलेश यादव और शायद इसी बात की उनको बार बार एहसास करा रही है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। अपर्णा यादव ने भी बीते दिनों एक बयान दिया था, कहा था कि सपा ने बसपा से जो गठबंधन किया था उसका जो फैसला था सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का था, जबकि मुलायम सिंह यादव फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि अखिलेश यादव की ही सारी गलती है कि समाजवादी पार्टी की आज इतनी बुरी स्थिति हो गई है। लेकिन अब अपर्णा यादव ने ये कहा है अखिलेश भैया को, उन्होंने अखिलेश एक सलाह देते हुए कहा है कि अखिलेश की वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं, अपने पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी कराएं, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कायाकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में ये समय की मांग है कि हर उस कार्यकर्ता को जो पार्टी से नाराज है उसे पार्टी में वापस लाया जाए, एक बार फिर से पार्टी को खड़ा किया जाए और अखिलेश भैया को इस बारे में विचार करना चाहिए। ये अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव को अपर्णा यादव ने सलाह दी है और जिस तरह से अपर्णा यादव लगातार बातें कर रही हैं निस्संदेह उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। पहले तो उनका जो प्रेम था वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी चाचा शिवपाल सिंह की पार्टी के लिए झलकता था, लेकिन अब लगता है कि सपा में उनके लिए भी अब रास्ते बन सकते हैं, क्योंकि सपा इस वक्त जिस तरह से गोते लगा रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में ही डाल सकती है समाजवादी पार्टी को। 5 सांसद 2014 में थे, 2019 में थे, कोई परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आया। मायावती शून्य थी लेकिन 10 पे पहुंच गई, उनकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन सपा टस से मस नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को ये बात सोचनी पड़ेगी। अब ऐसे में अपर्णा यादव की जो सलाह है, अगर अखिलेश यादव उस पर काम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मायावती चारों खाने चित्त भी हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात कही है अपर्णा यादव ने कि जो भी कार्यकर्ता नाराज है पार्टी से उसको फिर से पार्टी में वापस लेकर आए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपने अहम के आगे, अपने नेतृत्व के आगे कई कार्यकर्ताओं को भूल जाना बेहतर समझा, जबकि मुलायम सिंह उसको सबसे बड़ी अपनी पूंजी समझते थे और शायद इसी वजह से सपा का एक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और अभी भी है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के हाथ में कमान आई, बाई इलेक्शंस में जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद से अखिलेश यादव को ये लगा कि हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, भाई सपा का अपना वर्चस्व है, मोदी लहर में हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन बसपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने जो स्वाद चखा उसके बाद से तो कहीं ना कहीं मायावती ने जो गठबंधन तोड़ा, अखिलेश यादव को इसमें सरासर यही पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ है उनके साथ। अब मायावती कहती है कि यादवों का वोट बैंक ट्रांसफर ही नहीं हुआ, जबकि यादवों का वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है मायावती को, तभी तो उनके 10 सांसद बने हैं, जबकि दलितों का शायद वोट बैंक सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए उसके 5 ही सांसद बने हैं। अंतर भी तो देखिए, अब ऐसे में क्या है, अपर्णा यादव का साफ साफ ये कहना है कि आप पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाइए जिनको पार्टी की नब्ज पता है, पार्टी के लिए उन्होंने गहराई से काम किया है, अगर उस पर अगर काम करते हैं अखिलेश यादव तो हो सकता है सपा का इस बार कायाकल्प हमें बाईपोल्स में देखने को मिल सकता है। और बाई पोल्स भी आसान नहीं है, 12 सीटें जीतना कोई आसान काम तो नहीं है। 12 सीटों पर बंदर बाट की तरह उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां बैठी हुई हैं, प्रियंका गांधी खुद को साबित करने में जुटी हुई हैं, बीजेपी तो दमखम लगा ही रही है कि कैसे भी करके फिर से इन 12 सीटों पर अपना परचम लहराया जाए, अगर यहां पर लहरा देती तो कहीं ना कहीं विधानसभा में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। अब रही बसपा की बात, मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब बुन रही हैं, केंद्र की राजनीति में आना नहीं चाहती हैं और ना आ पाएंगी अब और ना उनको आने का कोई रास्ता मिल सकता है। तो भाई खुद को
उत्तर प्रदेश की सीएम बनाकर या उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश पर ध्यान देकर फोकस देकर वो खुद को खुश रखना चाहती हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि 2022 में बेहद ही कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक तरफ तो बीजेपी है, लेकिन तीन पार्टियों के बीच में हमें बंदरबाड़ देखने को मिल सकता है, वो है कांग्रेस, सपा और बसपा। अब बसपा और सपा अलग हो गए हैं, बुआ एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। अब यहाँ पर इन तीनों के बंदरबाड़ में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी मलाई मार ले जाए, ये भी हो सकता है। प्रियंका गांधी को भी कम नहीं समझना है हमें, क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब अपनी जोर तोड़ की राजनीति वहाँ पर लगा रही हैं और जिस तरह से समीकरण बिठा रही हैं, हो सकता है कांग्रेस को बेहतर स्थिति में ले आए। क्योंकि हम किसी को अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये बात सभी राजनेताओं को पता होती है। अखिलेश यादव खुद इतने परिपक्व हैं, इसीलिए शायद अपर्णा यादव ने सलाह दे रही हैं कि वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लेकर आए, जिससे सपा की स्थिति बदल जाए और जो पार्टियां बुलाया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले और शिवपाल की पार्टी बनने के बाद बहुत से लोगों ने सपा को अलविदा कहा, अखिलेश यादव को उनके अलविदा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो था वो पार्टी पर असर पड़ा, पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ा। और आज 5 सांसद उत्तर प्रदेश में बनाकर बैठी हुई है संसद में समाजवादी पार्टी, बहुत सोचने वाली बात है। चलिए आप लोकसभा छोड़ दीजिए, लेकिन अब विधानसभा की तैयारी करनी पड़ेगी और बाईपोस की तैयारी तो जरूर करनी पड़ेगी अखिलेश यादव को, क्योंकि अगर कुछ कर दिखाना है तो फिर चुप भी नहीं बैठना पड़ेगा। नमस्कार।